हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। ऐसे में नवरात्रि हो या महाशिवरात्रि, श्रद्धालुओं की आस्था देखने को मिल ही जाती है। मंदिरों में भक्तों का तांता देखने को मिल ही जाता है। वहीं देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में एशिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर जटोली में भी महाशिवरात्रि की धूम सुबह से ही देखने को मिल रही है। मंदिर से जुड़े गुरुनाथ वशिष्ठ ने बताया कि जटोली कोई साधारण मंदिर नहीं है, बल्कि यहां आकर चार धामों का पुण्य मिलता है। उन्होंने बताया कि शिवरात्रि के लिए मंदिर के सदस्यों द्वारा एक माह पहले ही तैयारियां आरंभ कर दी जाती हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर सुबह करीब 5 बजे से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था। महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालु जटोली शिव मंदिर में शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र, भांग और दूध चढ़ाकर भोले बाबा को मनाने के लिए कतारों में लगे हुए थे। श्रद्धालुओं का मानना है कि भोलेनाथ भोले हैं, इसीलिए सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। उनका कहना है कि वे लोग उपवास रखकर मंदिर आए हैं, मंदिर में कीर्तन करने के साथ साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। शिवरात्रि का कार्यक्रम जो है लगभग एक महीना पहले शुरू हो जाता है हमारा, और 15-20 दिन से तो भक्त लोग जो है वो काफ़ी संख्या में आना जाना शुरू कर देते हैं, अपना योगदान देना शुरू करते हैं। ये प्रोग्राम जो है हर साल इसी तरह से चलता आ रहा है और हर साल जो है बढ़ चढ़ के मनाया जा रहा है। इस साल भी पहले की तरह ही ऐसे बढ़ चढ़ के मनाया जा रहा है। इस साल में कोरोना की वजह से थोड़ा इसमें लेट शुरू हुआ प्रोग्राम, वो क्योंकि कुछ प्रोटोकॉल है जो सरकार का है, एडमिनिस्ट्रेशन का है, प्रशासन का है, उसके मुताबिक चलना पड़ता है कि ये चार धाम हैं बेटे, ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। जो टोली इसलिए मशहूर है, पहली है महाराज की कुटिया, दूसरा है जलकुंड सुखताल कुंड जिसको बोलते हैं, और तीसरा है महाराज की समाधि, और चौथा है ये महाराज का शिवालय मंदिर जो स्फटिक में, जिसमें स्फटिक की मूर्ति शिवलिंग लगा हुआ है और जिसमें शिव परिवार है, तरह तरह के मतलब सारे ही मतलब देवी देवताओं को इसमें जो है वो स्थापना हुई है। देखिए अगर कोई जटोली आता है तो चार धाम की यात्रा के यात्रा के मुताबिक उसको ये पक्का फल मिलता है। अगर कोई श्रद्धा भाव भक्ति से जिस हिसाब से आते हैं, कहते हैं ना कि जितना गुड़ आप जिस भाव से डालेंगे उतना ही वो बैठे मीठा होगा। शिव जी की कृपा से हम यहाँ पर पिछले 30 साल से आ रहे हैं और जब भी हम यहाँ सोलन आते हैं तो यहाँ जटोली में जरूर दर्शन करके जाते हैं, क्योंकि ये जो मंदिर है एक बहुत बड़ा पवित्र स्थान है और जिस जो भी है बड़े दिल से और श्रद्धा से आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। क्योंकि योगानंद जी का जो तपस्या है मैं महसूस करता हूँ, उसका जो प्रताप है, उसका जो फल है, हम सब लोगों को मिलता है जो यहाँ पे श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। और मैं महसूस कर रहा हूँ कि जब भी हम आते हैं हर साल कुछ ना कुछ यहाँ पे तरक्की होती है, उस भगवान की, उस योगानंद जी की तपस्या और शिव जी की यहाँ पर हमारे पे सब पे लोगों की कृपा से जो ये बन रहा है। मैं प्रार्थना करता हूँ शिव जी भगवान से कि जो ये तैयारी हो रही है इसके अंदर अगले साल इसे ज़्यादा तरक्की हो, ताकि और से और लोग जुड़ें और यहाँ पर आके भगवान शिव जी का अपना वो आशीर्वाद लेके अपनी अग्नि कामयाबी हासिल करें।